वेलकम गाइस, वेलकम टू इथेरियम गेमिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल के ऊपर। तो जैसे आपको पता होगा, आज हम बात करेंगे आपसे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पॉइंट के बारे में। अभी बेसिकली इथेरियम स्प्लिट हो गया है, इथेरियम मर्ज हुआ था, मर्ज की एक अपडेट आई थी जिसके अंदर इथेरियम जो था वो प्रूफ ऑफ वर्क से ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक्स में चला गया है। तो अब वो बेसिकली माइनिंग सपोर्ट नहीं करता। तो अब एक जो प्रूफ ऑफ वर्क का जो चेन था, ब्लॉकचेन था, उसके ऊपर एक बेसिकली पर्सन है जिन्होंने कॉइन लॉन्च करा है इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क। तो ETHW के नाम से वो आज के कॉइन है। मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर वो अवेलेबल हुआ है, अभी रजिस्टर हुआ है। बाइनेंस के ऊपर भी अभी बेसिकली चेन स्प्लिट्स होती है, तो या चेन्स पे अपडेट होती हैं, ब्लॉकचेन पे अपडेट होती हैं, तो आपको उसी चेन के ऊपर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अभी चल रहा है ये अपडेट, और इसको कैसे माइन करना है और कौन सा टूल हम यूज करने वाले हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे आगे चल के। और मेरे पास जो रेट है वो भी हम 1650 TI के ऊपर चलाएंगे, चलाएंगे और चेक करते हैं विद इन 1 वीक में हमें कितना अर्निंग होता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है, ये सारी चीजें हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। और इस एंड में अगर आप वीडियो फिर देखेंगे तो प्लीज अगर कुछ क्वेश्चन है आपकी तरफ पूछना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और वो स्पीड सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं आगे टूल के बारे में। तो ये है हमारा 5OS, इसके अंदर हम सेटअप करेंगे पूल के बारे में। जो पूल की डिटेल्स है वो है नैनो पूल, जो कि पहले इथेरियम का सबसे बड़ा पूल था। तो इन्होंने ही अब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को सपोर्ट करा है जो कॉइन है, और हम इसको माइन करेंगे। तो ये वाला जो पूल है सबसे बड़ा पूल था और अभी भी सबसे बड़ा पूल है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कल यहाँ पे करीब करीब 2700 GH के आसपास थी, तो अभी आप देख रहे हो तो 5500 GH के आसपास है, और कल करीब करीब इसने देखा जाए तो 30% से ऊपर या 50% के आसपास इसने कल रिटर्न दिया था। तो मुझे लग रहा है कि हम ये माइन कर सकते हैं, और कैसे माइन करना है इसके लिए ही मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और ये नैनो पूल है जहाँ पे हम इसको माइन करेंगे अभी फिलहाल। तो अब जब आप नैनो पूल पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम है ETHW.nanopool.org, और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे नीचे देखिएगा रीजन्स कनेक्शन सेटिंग्स के बारे में, अगर आप देख रहे हैं तो ये कनेक्शन सेटिंग्स है। हमें ये HiveOS के अंदर ये सेटिंग्स अपनी फ्लाइट शीट क्रिएट करनी है, और ये सेटिंग्स हमें डालनी है जो कि मैं एशिया सर्वर यूज़ करूँगा, तो ये एशिया की सेटिंग है तो मैं ये यूज़ करूँगा। और इसके साथ साथ SSL जो पोर्ट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रैटम पोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं स्ट्रैटम पोर्ट को यूज़ करूँगा। और अब हम आ जाते हैं HiveOS के अंदर। आप जैसे ही अपने वर्कर पे आप चेक करोगे तो मेरे पास काफ़ी सारे वर्कर हैं यहाँ पे। तो अभी हम अपने वर्कर में चलते हैं, जो कि मेरी रिग है ये आपको दिखेगी 1660 TI की ये रिग है। तो इसमें एक 1660 सुपर भी लगा हुआ है मेरे पास, और ये अभी नैनो पूल पे माइन हो रहा है। तो ये कैसे मैंने सेट किया है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जो जब आप HiveOS खोलोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये फ्लाइट शीट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। तो आपको फ्लाइट शीट के अंदर जाना है। आपको फ्लाइट शीट के अंदर जाने के बाद ये सारा आपको ऐड अ न्यू फ्लाइट शीट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है ETHW, यहाँ पे आपका ये कॉइन आ जाएगा। यहाँ पे वॉलेट, अगर आपने वॉलेट नहीं क्रिएट करा हुआ तो आपको वॉलेट क्रिएट कर लेना है। मैंने जो वॉलेट क्रिएट करा हुआ है वो भी gate.io पे, क्योंकि बाइनेंस पे भी आया नहीं है। बाइनेंस पे सिर्फ रिवॉर्ड्स मिले हैं एज पैरेलल चेन इथेरियम के ही। तो अगर आपको मर्ज से पहले अगर आपके पास जितने इथेरियम वॉलेट में थे आपको उतने ही आपको ETHW मिलेंगे बाइनेंस के ऊपर, और वो भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं लोगों को, काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं, पर लेकिन अभी वहाँ पे प्रॉपर वॉलेट नहीं आए हैं। तो वॉलेट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो OKX करके एक एक्सचेंज है और एक gate.io करके एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आप अपना वॉलेट बना सकते हैं। तो मैंने gate.io का वॉलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। पूल में अभी यहाँ पे नैनो पूल नहीं आया है, क्योंकि अभी ये 2 दिन ही हुए हैं नैनो पूल को आए हुए। तो आप यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे पूल को, तो बिल्कुल एंड में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्फिगर इन माइनर का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट में जो माइनर आएगा, माइनर के अंदर आपको यहाँ पे नैनो माइनर क्लिक करना है और नैनो माइनर को सेलेक्ट कर लेना है। नैनो माइनर को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे
सेटअप माइनर करके आएगा, ठीक है, ऊपर सेटअप माइनर कॉन्फ़िग करके है, तो इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है वॉलेट एंड वर्पर टेम्पलेट, यहाँ पे आपको इसके सामने एक आई करके ऑप्शन आएगा, उस पर आपको माउस कर्सर ले जाना है और नीचे जब आप ले जाएंगे यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन जो दिखेगा वॉलेट वर्कर नेम, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें जाना है यहाँ पे पूल URL, तो पूल URL के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको नैनो पूल की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे जो भी आप सर्वर पे कनेक्ट करना चाह रहे हो उसको कॉपी कर लो, आपको सर्वर का लिंक। जैसे आप कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद स्प्रेड शीट पे आप वापस आ जाओ और अपने पूल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको साथ साथ शिफ्ट और कॉलन दबाना है, तो यहाँ पे ऐसे कॉलन आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर डालना है जो कि 1555, ये देखो आप नैनो पूल के ऊपर ये दे रखा आपका पोर्ट, स्पैटर्न पोर्ट जो है 1555, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। पासवर्ड में आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, जिससे कि आप वहाँ पे अपने नैनो पूल के ऊपर जो रिग है उसको सेटअप कर सकते हो। जब आप ये कर लोगे यहाँ पे आप अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दो, और अप्लाई चेंजेस के बाद करने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट फ्लाइट पे क्लिक कर देना, तो आपकी ऐसे ये फ्लाइट बन के आ जाएगी। अगर आप ये नीचे देखेंगे तो ये मेरी फ्लाइट की डिटेल्स आ रही है। मैं नैनो पूल कह रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल जो माइनर यूज़ कर रहा हूँ वो फिनिक्स माइनर यूज़ कर रहा हूँ, नैनो माइनर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो सेटिंग सेम ही है मेरी उसकी, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सारा फ्लाइट शीट क्रिएट करने के बाद आपको वापस अपने वर्कर पे जाना है। वर्कर पे जाने के बाद अपने आपको वर्कर के अंदर फ्लाइट शीट के ऊपर जाना है आपको, और फ्लाइट शीट पे जाने के बाद आपको अपने वर्कर की जो फ्लाइट शीट आपने बनाई है उसके सामने ये रॉकेट सा बना होता है, तो इस रॉकेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली फ्लाइट शीट आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे आपको फ्लाइट शीट का नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा तो यहाँ पे ये चल रहा है वर्कर, 24 घंटे हो गए, हमने पिछले 24 घंटे में हमने जो भी माइन करा है तो वो मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ अभी। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा वर्कर यहाँ पे आ चुका है, और ये करीब करीब आप अभी मेरा करंट हैश रेट देखेंगे तो 408 चल रहा है, और एवरेज लास्ट 6 आवर्स का मेरा इन्होंने दिया है 260 295, रिपोर्टेड हैश रेट आ रही है मेरी 216, और ये मैंने 0.0745 करीब करीब आपका लगा लो ये नीचे $0.90 के आसपास मैंने सिक्के आ गए हैं मेरे पास। देखो मेरी तीन रिग्स हैं, तीनों यहाँ पे हैं, जो 60 TI की रिग है उसकी जो हैश रेट आ रही है वो 204 के आसपास आ रही है, रिपोर्ट जो करती है वो हैश रेट वो 186 करती है। तो ये था अभी हमारे रिग के बारे में, और नैनो पूल जो हमने इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में आपको बताया। तो आगे जाके अगर आप कोई और कॉइन को माइन करना चाह रहे हैं, कैसे माइन करना चाह रहे हैं, वो भी आप हमारे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी हम इसी रिग को करीब करीब एक हफ्ता चलाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे फिर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हमने इस वीक के अंदर कितने ETHW बनाए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फिर अगर हमें पूल चेंज करना है तो पूल चेंज करने के लिए भी जो भी डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे।